10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 L40 stages 0. Are ignited. Plus 5 seconds. Tip top normal. Perfectly top. GSLV F-14 Hansa 3DS progressing towards its destination. Performance normal. जी हाँ, अभी हमने देखा चारों L-40 तथा कोर बूस्टर का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और GSLV F-14 उत्थापित हो अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर बढ़ता हुआ. क्लियर स्काई, वी कैन सी द रॉकेट, वेरी ब्यूटिफुल. And from the mission control center here, we can hear the vibrato also. शाम का समय, बहुत दूर तक हम यान को देख पा रहे हैं. सामान्य प्रज्वलन, इसका कंपन भी हमें यहां महसूस होता है. यान अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ता हुआ. प्लस 1 मिनट. प्रथम चरण के कोर बूस्टर का प्रज्वलन काल 110 सेकंड के करीब होता है और इस दौरान यह 8400 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. प्रथम चरण में कोर बूस्टर तथा 4 L40 स्टेप ऑन बूस्टर सामान्य निष्पादन करते हुए. प्रेजेंटली द कोर बूस्टर एंड द 4 L40 स्टेप ऑन्स थ्रस्टिंग साइमल्टेनियसली. S-139 scheduled to burn 410 seconds. S-39 stage burn out. एनिमेटेड व्यू में आप देख पा रहे हैं चार L-40 तथा कोर बूस्टर S-139 प्रज्वलित है. फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस नॉर्मल. कोर बूस्टर बर्न आउट हो चुका है, उसका प्रज्वलन काल समाप्त हो चुका है, लेकिन L-40 अभी भी जारी हैं. इन्हें 148 सेकंड पर बंद कर यान से पृथक कर दिया जाएगा. द फोर L-40s थ्रस्टिंग प्रेजेंटली. द लॉन्च व्हीकल इज बीइंग ट्रैक्ड बाय द ट्रैकिंग स्टेशन एट शार. 40 स्टेजेस थ्रस्ट कट ऑफ. फर्स्ट स्टेज सेपरेटेड, सेकंड स्टेज इग्नाइटेड. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने अभी इसकी पुष्टि की. प्रथम चरण को यान से सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है. प्रोपल्शन थर्मल कंट्रोल, एटीट्यूड कंट्रोल सिस्टम, नेविगेशन गाइडेंस एंड कंट्रोल, स्ट्रक्चर्स एंड ट्रसेस. इनसैट 3DS वेज 2274 किलोग्राम्स, हेंस द सिलेक्शन I2K बस. क्रायोपर स्टेज तृतीय चरण और अंतिम चरण है GSLV F-14 का. वर्तमान में यान की ऊंचाई 153 किलोमीटर तथा सापेक्ष गति 8.3 किलोमीटर प्रति सेकंड है. सभी तंत्र क्रायो इंजन के सामान्य निष्पादन करते हुए. इस दौरान यह 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में ले जाता है. इसमें अभिवृत्ति नियंत्रण के लिए 2 वर्नियर जेट्स लगे होते हैं. यान पूर्णतः टेक्स्ट बुक लॉन्च प्रदर्शित करता हुआ. जैसा अनुमानित था, अनुमानित पथ के ऊपर में ही जाता हुआ GSLV F-14. प्लस 17 मिनट्स. यह भी दर्शाता है कि हमारी गणना और सभी कार्य सुनिश्चित सुनियोजित तरीके से पूरी हुई हैं और गुणवत्ता का खास ध्यान रखा गया है. ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रेजेंट लॉन्च इज टू प्लेस द वेदर ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इनसैट 3DS इन जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट.
whose perigee is 170 kilometers and apogee is 37,682 kilometers. Cryo stage performance normal. The relative velocity acquired presently is 9.28 kilometers per second. अब कुछ ही सेकंड्स में हम देखेंगे तृतीय चरण के कार्यकाल को समाप्त कर इसे बंद कर दिया जाएगा और अंतक्षेपण उपग्रह के अंतक्षेपण की स्थितियां प्राप्त होते ही उपग्रह को तृतीय चरण से पृथक कर उसके उद्दिष्ट कक्षा में अंतक्षेपित किया जाएगा। टेलीमेट्री द्वारा डेटा में थ्रस्ट कट ऑफ सैटेलाइट इंजेक्शन कंडीशंस आर अचीव्ड। क्रायो चरण को बंद कर दिया गया है, सुनियोजित ढंग से यह किया जा रहा है, यह पूर्व निर्धारित है। सर 3DS सैटेलाइट सेपरेटेड, GSLV F-14 इनसैट 3DS मिशन अकम्प्लीश्ड, हैंडिंग ओवर टू मिशन डायरेक्टर। जी हाँ, सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। यहाँ इनसेट 3DS उपग्रह को अंतक्षेपित कर दिया गया है। एंड वी हैव अ सक्सेसफुल मिशन ऑफ GSLV F-14 इनसेट 3DS। हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू टीम इसरो एंड यूजर्स फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। Do continue to stay tuned for the address by Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. जी हम आपको ले चलते हैं चेयरमैन इसरो के भाषण के लिए।